गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल। आज अपने 24 अगस्त 2024 को जो आपका IBPS क्लरिकल का इस बार का जो रियल एग्जाम हुआ था उसका मेमोरी बेस्ड पेपर करेंगे, और वो भी किसका? गाइडली का। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे सर गाइडली का करवा दो, गाइडली का। तो पहले गाइडली के मेरे पास फ्री नहीं थे, ठीक है, टेस्ट बुक का था, मैंने कर रखा था परचेज आप लोगों को मतलब करवाने के लिए प्रीवियस ईयर वाले। गाइडली का ये फ्री है बिल्कुल, जो मेमोरी बेस्ड पेपर आया है तो इसको अपने क्या करेंगे, आज से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये 31 को जिनका एग्जाम होगा उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जिन कैंडिडेट्स का एग्जाम हो चुका है उनके लिए भी यहाँ पे चेक करने के लिए कि हमारा एग्जाम कैसा हुआ था, उसको कैसे सोल्व करना था, उस तरीके से जैसे अपनों ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी 10 डेज की, उसके अंदर अपनों ने जैसे किया था उस तरीके से टेक्निक आप यूज़ कर पाए कि नहीं कर पाए, जो आपका रियल मेमोरी बेस्ड है उसके अकॉर्डिंग अपने उसको उस तरीके से हैंडल कर पाए जिस तरीके से करना था। तो एक टाइप से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपका इंग्लिश का सेक्शन कैसे गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं, तो अपने ओनली करेंगे इंग्लिश सेक्शन को, ठीक है। अदर सेक्शंस को अपने क्या करते जाएंगे, सबमिट। पहले अपना रीजनिंग आया, इसको अपने कर देते हैं सबमिट। अब नेक्स्ट अपना इंग्लिश आया, तो इंग्लिश में सबसे पहले एक बार फुल स्क्रीन कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब इंग्लिश में अपने बात करेंगे तो यहाँ पे पैराग्राफ है, पैराग्राफ को मैं एक बार करूंगा नहीं। वैसे तो ओन ए ट्रेन जर्नी टू वुमेन एज्ड 40 to 30 फाइंड देम सेल्फ रिमेनिसिंग देयर, मतलब स्टोरी टाइप है, ठीक है, हो जाएगा। इसका एक बार है ना अपने एग्जाम ओरिएंटेड ही करते हैं, जैसे एग्जाम में करना होता है वैसे ही करते हैं। सबसे पहले तो इसके एक बार मीनिंग वाले कर लेते हैं, बाद में पैराग्राफ पे लास्ट पे आएंगे जैसे एग्जाम में अपने करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, विच वर्ड इज क्लोजेस्ट मीनिंग इन फोर्स्ड, यानी पैसेज के अकॉर्डिंग फोर्स्ड कहाँ पे है, दोज फ्रेंडशिप्स वर फोर्स्ड विद ए सेंस ऑफ फ्रीडम एंड पॉसिबिलिटी। फ्रीडम के सेंस पे वो क्या थी, फोर्स्ड थी। फोर्स्ड का मीनिंग, सी ओफन थिंग्स अबाउट हाउ दोज बॉन्ड्स सैप्ड हु सी इज टूडे, मतलब कैसे उन्होंने आज वो है उसको, उन बॉन्ड्स ने उसको बनाया था। तो यहाँ पे है ना एक काम किया करो, आप सिनोनिम पूछा है तो आप क्या किया करो, डायरेक्ट पैराग्राफ में उसको रख दिया करो। डिस्ट्रॉयड, क्रिएटेड, क्रिएट किया, रून, डिसमेंटल, डिसबैंड, ये सारे के सारे नेगेटिव बोल रहे हैं ना खराब करने को, तो एक ही पॉजिटिव बता रहे हैं। तो वो क्या है, फ्रेंडशिप बनी थी तो क्रिएटेड इसमें सही हो गया, इसमें तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, अपने डायरेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, क्रिएटेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्ट भी मिल रहे हैं अपने को, नेक्स्ट में चले। बोल्ड रिमोटली का पूछा उसने, रिमोटली का एंटोनिम पूछा उसने, एंटोनिम पूछा है रिमोटली का, तो यहाँ पे पढ़ते हैं अपने। हर मेमरीज आर ऑफ ए टाइम मार्क्ड बाई इंटेंस इमोशनल कनेक्शन, मतलब उसकी मेमरीज इमोशनल कनेक्शन वाले टाइम की थी। शेयर्ड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस शेयर्ड वाली, ए कैमरेडरी दैट फेल्ट बोथ एक्सिलरेटिंग एंड कम्फर्टिंग, जो अच्छा लगने वाली और कम्फर्ट करने वाली थी, इवन इफ इट वॉज नॉट रिमोटली सिमिलर टू हर लेटर रिलेशनशिप, बाद की रिलेशनशिप जैसी नहीं थी, रिमोटली सिमिलर नहीं थी। रिमोटली, रिमोट किसको बताता है, रिमोट एरिया, दूर के एरिया को एक बार देखते हैं, डिस्टेंट दूरी को बताता है, इनडायरेक्ट दूरी को, मतलब इनडायरेक्ट मतलब कनेक्टेड ना हो, फार दूर को, मार्जिनल, बहुत कम, कंप्लीटली, पूरी तरह से। अब यहाँ पे सिमिलर नहीं थी, तो पूरी तरह से सिमिलर नहीं थी, ये सट जा रहा है ना इसका, एंटोनिम की फॉर्म में बात करें, रिमोटली मतलब कम सिमिलर नहीं थी, रिमोटली की अगर अपने बात करें यहाँ पे एंटोनिम में देखें, रिमोट दूर को बताता है, डिस्टेंस दूर को, इनडायरेक्ट मतलब दूरी को बताता है, इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट कनेक्टेड ना हो, फार दूर को, मार्जिनल मतलब बहुत कम कनेक्टेड हो, तो ये भी दूरी को ही बताएगा, दूरियों को बताएगा, कंप्लीटली पूरी तरह से जुड़ा हुआ, तो कंप्लीटली जाएगा यहाँ पे एंटोनिम में बात करते हैं, कंप्लीटली जाएगा। देखो कई बार अपने नहीं लगता ना क्या आएगा, तो आप ये देख ले क्या नहीं आएगा, तो ये और नहीं आएंगे तो ये आएगा। नेक्स्ट ब्लैंक, ब्लैंक फिलअप करना है यहाँ पे, ब्लैंक फिलअप करने के लिए पैराग्राफ में दिया होगा वो पढ़ना होगा अपने को, ये रहा ब्लैंक, तो क्या बोल रहे हैं, द ओल्डर वुमेन एम्फसाइज़ हाउ दोज बॉन्ड्स, वो बॉन्ड थे दो दे माइट सीम फ्लीटिंग एट द टाइम, मतलब वो कम होते दिखाई दे रहे थे, होल्ड ए स्पेशल प्लेस, एक स्पेशल स्थान होल्ड किए इन वन्स हार्ट, किसी के दिल में, एंड आर वर्थ, और कीमती है, कीमती क्या है, इग्नोरिंग, इग्नोर करने के लिए कीमती है, डिसरिगार्ड मतलब किसी इंसल्ट करने के लिए, चेरिशिंग एंजॉय करने के लिए, डिसमिस अवॉइडिंग, सारे नेगेटिव बता रहे हैं, चेरिशिंग कीमती क्या होगा, चेरिश होगा तभी तो उसको क्या करें, चेरिश करेंगे अपने, कीमती होगा तभी तो, ठीक है, ये हो गया अपना। नेक्स्ट में क्या बोला उसने, नेक्स्ट में एक बार डायरेक्शन को पढ़ लेते हैं, दीज आर नंबर्ड ABCD प्रिंटेड इन बोल्ड, वन दीज वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड माइट आइदर इज रॉन्गली स्पेल्ड और इन अप्रोप्रिएट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, या तो क्या है रॉन्गली स्पेल्ड है या क्या है inappropriate, सही से यूज नहीं है, यही देखना, चलो पहले मिसस्पेल्ड को देखते हैं, फिनिश्ड सही है, स्टडीज आफ्टर रोन फिनिश्ड इज, स्टडीज थोड़ी होगा, स्टडीज होगा ना, स्टडीज आएगा, इसका मतलब क्या है अपना, ये गलत हो गया, रॉन्गली स्पेल्ड, ये तो ईजी होता है।
ब्रोक सही है, डाउन सही है, वे वे का मतलब वजन तोलना, ऑफिस सही है। तो पढ़ते हैं एक बार, रेसल्स कार ब्रोक डाउन, खराब हो गई, ऑन हर वे टू द ऑफिस, वजन तोलना ऑफिस की तरफ, रास्ता होगा ना, रास्ता होगा, डब्ल्यू वाई, ये गलत। जिल विल राइड द फेमस रोलर कोस्टर, राइड, राइड की स्पेलिंग क्या होगा, आर आई डी ई होगा, तो राइड गलत हो गया। अब अपने को क्लो टेस्ट करना है, ठीक है शुरू करते हैं। ए में सबसे पहले क्या आएगा, रेन प्लेज क्रूशियल रोल इन एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग क्रॉप ग्रोथ एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, मतलब क्रॉप की ग्रोथ वगैरह को अफेक्ट करती है, बारिश एक अच्छा रोल प्ले करती है, ठीक है क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल। द राइट अमाउंट ऑफ रेनफॉल कैन ग्रेटली, जो सही मात्रा है बारिश की, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को क्या कर सकती है, डिक्रीज कम कर सकती है, सही मात्रा एनहांस बढ़ा सकती है, नेगलेक्ट इग्नोर कर सकते, ऑब्स्टेक खराब कर सकती है, कॉम्प्लिकेट जटिल बना सकते, क्या होगा एनहांस ही करेगी ना, सही बारिश होगी तो क्या होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एनहांस सही है, बिल्कुल ईजी है। उसके बाद में क्या है, हाउ एवर लिट टू लिटल रेन, बहुत कम जो बारिश है, कैन लीड टू, लीड कर सकती है किसकी तरफ, फ्लडिंग, बाढ़, कम बारिश से बाढ़ नहीं आएगी, इरोजन मिट्टी का कटाव ज्यादा बारिश से होता है, ड्रॉट सूखा हो सकता है, वाटर लॉगिंग वो पानी ज्यादा होना, पोल्यूशन, कम बारिश से पोल्यूशन थोड़ी होगा, कम बारिश से क्या होगा, सूखा पड़ेगा, ठीक है अकाल पड़ेगा, ड्रॉट। नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड एक्सेसिव रेन, बहुत ज्यादा जो बारिश है, कॉज प्रॉब्लम्स सच एज सोइल इरोजन, वाटर लॉगिंग विच कैन डैमेज क्रॉप्स एंड रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, यानी सोइल का इरोजन करेगा इस टाइप की, जैसे कि प्रॉब्लम्स करेगी, कैसी प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम, इकोनॉमिक, आर्थिक, आर्थिक सोइल इरोजन आर्थिक नहीं है, पैसे की तंगी वाली नहीं है, क्लाइमेटिक, क्लाइमेटिक मौसम से रिलेटेड, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल नहीं होगा, सोशल सामाजिक भी नहीं होगा, एनवायरमेंटल ज्यादा है, क्लाइमेटिक तो मौसम से संबंधित प्रॉब्लम है, सोइल इरोजन क्या हो रहा है, एनवायरमेंट में गड़बड़ हो रही है, ठीक है क्लाइमेटिक मौसम संबंधी, जलवायु संबंधी होता है क्लाइमेटिक, एनवायरमेंट का मतलब वातावरण है पूरा का पूरा, तो क्या होगा सबसे सही कौन सा, एनवायरमेंटल बेस्ट है। नेक्स्ट, फार्मर्स ऑफन यूज, ज्यादातर यूज करते हैं सिस्टम टू मैनेज वाटर रिसोर्सेज, सिस्टम यूज करते हैं वाटर रिसोर्सेज को मैनेज कर, कम्युनिकेशन सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम, हाँ ये हो सकता है सिंचाई वाटर को मैनेज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन सिस्टम, ट्रांसपोर्टर, मार्केटिंग, क्या करते हैं फार्मर्स, सिंचाई करते हैं ना, खेती से रिलेटेड इरिगेशन होगा। उसके बाद में क्या है, दीज सिस्टम हेल्प टू क्रॉप्स ड्यूरिंग पीरियड ऑफ, ये जो आपकी सिस्टम है ये हेल्प करते हैं क्रॉप्स को ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ड्रॉट, सूखे के टाइम पे, क्या ओवर वाटर, ज्यादा पानी देने के लिए सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम था ना, इरिगेट करने के लिए, अबंडन खराब करने के लिए, इग्नोर रोकने के लिए, डिप्लीट दूर करने के लिए, क्या होगा इरिगेट करने के लिए ना, सिंचाई करने के लिए होगा, पानी देना, पानी देने के लिए ड्रॉट के टाइम पे पानी देना, ठीक है ज्यादा से इरिगेशन से इरिगेट ही हो गया। उसके बाद में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट, नेक्स्ट में ऊपर नीचे जा रहा है इसमें, ठीक है नेक्स्ट में बात करें, इंश्योर दैट वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली, मतलब सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट, एंड एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी हैव आल्सो हेल्प्ड फार्मर्स प्रेडिक्ट रेनफॉल पैटर्न, मतलब वो रेनफॉल पैटर्न को क्या कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बारिश किस हिसाब से होगी। तो एडवांसेस कौन सी टेक्नोलॉजी है, मेडिकल, मेडिकल से थोड़ी पता लगे, मेटीरियोलॉजिकल, हाँ ये मौसम संबंधी ये होती है, तो मेडिकल और इसमें से ये जीत गया, एजुकेशनल नहीं होगा, इंजीनियरिंग नहीं होगा, फाइनेंशियल, मेटीरियोलॉजिकल होगा ना, मौसम विभाग से संबंधित जो प्रेडिक्शन करते हैं कि बारिश कितनी होगी, कब होगी, क्या होगी, ये सही था अपना। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या बोला, एरर, एरर फाइंड आउट करनी है ना, यहाँ पे नो एरर दिखाई दे रहे हैं, एरर ही होगा, देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर If the error, if any, will be in one part of sentence. If the sentence is error-free, then choose no error. आपको error करनी है. The scientist suggested. तो picture बनाते चलो, scanning technique होती है. Scientist क्या हुआ? एक ही scientist दिखा, उसने suggest किया, कब किया? Did suggest. तोड़कर देखेंगे तो क्या, हमेशा model को तोड़कर निकाला करो. Past में suggest किया था, कर सकता है. That की results of the एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे रिजल्ट हो सकते हैं, हो सकते हैं, वोज, वोज का सब्जेक्ट ढूंढने जाओ, वोज किसके पास जाए सबसे पहले, एक्सपेरिमेंट के पास, कैसा सब्जेक्ट चाहिए, फ्री एंड फ्रेश, एक्सपेरिमेंट के पास गया तो उसको कौन खा गया, ऑफ खा गया, तो कौन है फ्री, रिजल्ट्स, की के बाद में फ्री बैठेगा तो क्या है आपका, की दैट की कितनी बार क्यों होती है, तीन बार, की जो है, की के बाद नया सेंटेंस स्टार्ट होता है, नई बार स्टार्ट होती है, तो आपका क्या फ्री बैठा है, रिजल्ट, सब्जेक्ट रिजल्ट्स है तो वोज नहीं आएगा, क्या आएगा, वोज किस गए, वर आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, अपनी एरर है कौन से पार्ट में, वो सी पार्ट में। नेक्स्ट, ऑल दो, हालांकि सी प्रैक्टिस्ड डिलिजेंटली, मेहनत से उसने प्रैक्टिस की थी, कब प्रैक्टिस की थी, पास्ट में प्रैक्टिस की थी, ठीक है, एवरीडे, हर दिन, हर परफॉर्मेंस, जो उसकी परफॉर्मेंस थी,
इन द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन में वोज, वो थी, वोज का सब्जेक्ट कौन है, कॉम्पिटिशन को कौन खा गया, इन खा गया, हर परफॉर्मेंस सिंगुलर है, सही है, वो जाएगा। लेस कम इंप्रेसिव थी टू व्हाट हर कोच हैड, जो उसके कोच को उम्मीद थी उसकी तरफ कम एक्सपेक्टेड थी, कम इंप्रेसिव थी। लेस देन होता है ना, लेस टू थोड़ी होता है, लेस देन होता है, कंपेरिजन में बोलते हैं, जो एक्सपेक्ट किया उसके कंपेरिजन में कम थी। तो कौन से पार्ट में रह रहा है, सी पार्ट में रह रहा है, इसमें भी इसको टिक करो, आगे चलो। नेक्स्ट, द मैनेजर वॉज कंसर्न, मैनेजर वॉज का सब्जेक्ट कौन है, मैनेजर, वो कंसर्न था, कंसर्न यानी बी वी थ्री, डिड बी तोड़कर लिखेंगे तो क्या निकलेगा, डिड बी निकलेगा वॉज का, तो डिड बी, बी कंसर्न बैक थी, मैनेजर क्या था, कंसर्न चिंतित था, दैट की द न्यू पॉलिसी, जो नई पॉलिसी थी, वॉज, वॉज का सब्जेक्ट कौन है, पॉलिसी, ठीक है, सिंगुलर वॉज ही आएगा, वॉज क्रिएटिंग, वो क्रिएट कर रही थी, आगे जा रहे हैं, मोर कन्फ्यूजन, ज्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, अमंग द स्टाफ, किसके बीच में, बहुत सारा स्टाफ है उसके बीच में, यानी दो से ज्यादा स्टाफ के बीच में, ये स्टाफ के मेंबर है उनके बीच में कन्फ्यूजन, दो से ज्यादा हो सकते हैं, देन मोर कन्फ्यूजन, देन किसके कम, इट हैड सोल, सोल क्या होगा, वी वन, हैड क्या है यहाँ पे, हेड के बाद एक्शन है, इसका मतलब क्या है, की दो वर्किंग होती है, एलिमेंट ऑफ परफेक्शन और मैन एक्शन, ये यहाँ पे एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है, डिड प्लस हैव है यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, एलिमेंट ऑफ परफेक्शन है तो वी वन को किस में कन्वर्ट करेगा, वी थ्री में, पक्का करेगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्वालिटी होती है उसकी, इसका मतलब क्या है, डी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है दैट की, इंपॉर्टेंट है, इट इज सब्जेक्ट, इट है, इज इंपॉर्टेंट दैट की एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट, एक एक करके स्टूडेंट दिखे प्रत्येक, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड यानी डू अंडरस्टैंड, डू अंडरस्टैंड होगा, डू अंडरस्टैंड, इसका मतलब सब्जेक्ट कौन है, इसका स्टूडेंट है, तो क्या आएगा, डू तो आ ही नहीं सकता कभी भी, क्या आएगा, डस जाएगा सिंगुलर के लिए, तो एरर कौन से पार्ट में रहेगी, बी पार्ट में एरर रहेगी, बी में एरर है। नेक्स्ट, द टीचर, टीचर कितने दिखे, एक टीचर, हर चीज की पिक्चर बनाते चलो, स्कैनिंग, एक्सप्लेन, डिड एक्सप्लेन, पास्ट की बात है, कब एक्सप्लेन किया था उसने, पास्ट में एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे पास्ट में एक्सप्लेन किया था, दैट की द होमवर्क असाइनमेंट, वोज, वोज का सब्जेक्ट क्या है, असाइनमेंट, सिंगुलर है, ठीक है, मोर चैलेंजिंग, वो ज्यादा चैलेंजिंग था, देन कंपेरिजन किससे, एनी अदर असाइनमेंट, किसी भी दूसरे असाइनमेंट से, यहाँ तक पिक्चर सही जा रही है, दैट जो या कि स्टूडेंट्स हैड रिसीव, अब हैड रिसीव का मतलब उससे पहले, मतलब वो जो होमवर्क असाइनमेंट था पास्ट के पॉइंट पे क्या था, ये पास्ट ऑफ पास्ट यूज हुआ है, तो यहाँ पे या परफेक्ट कनेक्शन की फॉर्म में यूज हुआ है, दो वर्किंग होती है, पास्ट परफेक्ट की, कनेक्शन की फॉर्म में भी काम करता है और कनेक्शन कट की फॉर्म में भी काम करता है, तो यहाँ पे अपने बात करें, ये ज्यादा चैलेंजिंग था किससे, दूसरे असाइनमेंट, कहाँ पे चैलेंजिंग था, यहाँ पे, और होमवर्क मिला कब उसको, असाइनमेंट्स मिले कब, उससे पहले मिले थे स्टूडेंट्स को, ठीक है, पास्ट ऑफ पास्ट कनेक्शन की फॉर्म में बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, पूरी सेंटेंस सही है, नो एरर। चलो आगे, नेक्स्ट में क्या पूछे, पैराजंबल, पैराजंबल है क्या, यहाँ पैराजंबल, ये फर्स्ट सेंटेंस वगैरह पूछा है ना, सेंटेंस इन द प्रॉपर सीक्वेंस, पैराजंबल है, ठीक है, मैनी पीपल एन्जॉय हैविंग पैट्स, पैट्स कैन ब्रिंग जॉय, ऑल्सो हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस, सम पॉपुलर, ये इजी है, ये हो सकता है, अपने इसको है ना ले सकते हैं, अभी कर सकते हैं, चलो ठीक है, मैनी पीपल एन्जॉय हैविंग पैट्स इन देयर होम्स, बहुत सारे लोग हैं वो एन्जॉय करते हैं पैट्स को अपने घर पे रखना, पालतू जीवों को घर पे रखना, ए फर्स्ट हो सकता है, जनरल सी बात है, पेट्स कैन ब्रिंग जॉय कंपेनियनशिप टू देयर ओनर, वो अपने ओनर वगैरह के लिए क्या करते हैं, जॉय खुशी वगैरह लेके आते हैं और साथ निभाते हैं, तो ए और बी को कंपेयर करना, दोनों को पजल की तरह करना है इसको, देखो पजल की फॉर्म में, फ्लोर बेस्ट के फॉर्म में, कौन पहले बैठा है कौन बाद में, उस तरीके से देखना है, तो ए बी को अपने साथ में रखकर देखें, तो ए में क्या बोला है, लोग पसंद करते हैं घर पे रखना पेट्स को, और पेट क्या कर सकते हैं अपने ओनर के लिए, तो पहले वो घर पे रखेंगे उसके बाद में वो जॉय लेके आएंगे ना, तो बी ए के बाद जाएगा, कितना बाद जाएगा नहीं पता, पेट्स कैन ऑल्सो हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, स्ट्रेस को क्या कर देते हैं वो रिड्यूस कर सकते, कैन ऑल्सो हेल्प, हेल्प भी कर सकते हैं, तो एक बार बी और सी को कंपेयर करना, बी में क्या बोला वो जो ला सकते हैं और यहां भी कर सकते हैं, तो एक्स्ट्रा बात है ना एडिशन, तो बी के बाद क्या रहेगा, सी रहेगा, ये अपने को इतना बन गया, ए के बाद सी, बी, बी के बाद सी, लेकिन इतना बाद में ये नहीं पता अपने को। सम पॉपुलर पैट्स इंक्लूड डॉग्स, कैट्स एंड बर्ड्स, कुछ पॉपुलर जो पैट्स हैं वो क्या इंक्लूड करते हैं, डॉग्स को, कैट्स को एंड बर्ड्स, यानी उसमें क्या होते हैं, डॉग्स भी होते हैं, कुत्ते होते हैं, बिल्लियां होते हैं, और क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ठीक है, सम पॉपुलर पैट्स में। अब इस डी को चेक करो ए के साथ, ए में क्या बोला है, लोग पैट्स को रखते हैं, और डी बोल रहे हैं पॉपुलर पैट्स क्या होते हैं, ये होते हैं, तो यहाँ पे तो बोला है कि पैट्स को रखा जाता है, और अब उनको बताया गया कौन कौन से पैट्स होते हैं, तो डी और बी को कंपेयर करो, मतलब ए के बाद डी रहेगा, अब डी और बी को कंपेयर करो, सबको लड़ाते चलो, इनको इनको उड़ा दो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से उड़ा दो, जहाँ जहाँ से गए वहाँ वहाँ से उड़ा दो, डी और बी को, बी में क्या बोल रहा है ये,
अब डी में बोल रहा है कि कुछ पॉपुलर पेट्स होते हैं जो कुत्ता बिल्ली पक्षी, और बी में बोल रहा है वो अपने जो ओनर्स होते हैं उनके लिए क्या ला सकते हैं, जॉय ला सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, अब ए और डी को एक बार कंपेयर करना और फिर बी को कंपेयर करो, पता लगेगा। मैनी पीपल, बहुत सारे लोग पेट्स को रखना पसंद करते हैं, उसके बाद में पेट्स वगैरह खुशी वगैरह ला सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पेट्स होते हैं जैसे कि डॉग्स, कैट वगैरह, पॉपुलर पेट्स। एक तो ऐसे पढ़ो ए बी डी, एक पढ़ो ए डी बी, अपने आप पता लगेगा। फीलिंग जिसमें ज्यादा अच्छी फीलिंग आई, देखो पजल बनाते तो क्या होता है, दो तीन पजल बनती है ना कई बार, तो जिसमें ज्यादा अच्छी फीलिंग आती है या जो ज्यादा सेट होता है वही होता है। कई बार दो तीन पजल बन जाती है, फिर अपने ऑप्शन में जाते हैं तब जाकर अपने को पता लगता है, खास करके मेंस के एग्जाम में। ठीक है, इसमें ऐसे ही होता है, इसमें फीलिंग की फॉर्म में होता है, दो तीन पजल बन जाती है तो फीलिंग जिसकी सबसे अच्छी है, सबसे अच्छा रीअरेंजमेंट में वही आपका सेट होगा दो तीन में से। तो पहले एबीडी को पढ़ा है अपनों, एक बार सी को छोड़ो वो तो एक्स्ट्रा बात है, यहीं से क्लियर हो जाएगा। एबीडी को पढ़ो, मैनी पीपल जो क्या होते हैं घर पे पेट्स को रखना पसंद करते हैं, पेट्स खुशी ला सकते हैं, कुछ पेट्स होते हैं कुत्ते बिल्ली वगैरह पॉपुलर पेट्स। अब उसको पढ़ो, बहुत सारे लोग घर पे पेट्स रखना पसंद करते हैं, कुछ पॉपुलर पेट्स जो होते हैं वो होते हैं कुत्ते बिल्ली पक्षी, और जो पेट्स होते हैं वो खुशी वगैरह ला सकते हैं। अब देखो ज्यादा से कौन सा गया, एडीबी गया ना, डी बाद में गया क्योंकि पहले बोला कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखो दो तो अरेंजमेंट बन नहीं सकते ना तीन बन सकते, एक ही टिक होगा तो जो बेस्ट है वही टिक होगा। तो अब यहाँ पे बोले पेट्स क्या होते हैं, उनको पसंद होते हैं, और फिर उनकी कैटेगरी बताई गई कौन कौन से पेट्स होते हैं कुत्ते बिल्ली वगैरह, उसके बाद उनका काम बताया गया। पहले तो लोगों को पेट्स पसंद है, उसके बाद क्या उनकी कैटेगरीज कौन कौन से पेट्स होते हैं, फिर उनका काम बताया गया। ठीक है, तो इसका मतलब डी क्या रहेगा, बी से ऊपर रहेगा, और बी से ऊपर रहेगा ए से पीछे रहेगा, बस हो गया। ई को चेक करना, सबके साथ चेक करते जाओ, ई को ई के साथ एक ए और ई को चेक करो। हैविंग ए पेट कैन बी वेरी रिवार्डिंग, पेट रखना अच्छी बात हो सकती है, मतलब रिवॉर्ड, मतलब आपको रिवॉर्ड दे सकता है, मतलब उससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, अब ए और ई को कंपेयर करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं पेट्स को अपने घर पे रखते हैं और पेट्स रिवॉर्डिंग हो सकते हैं, तो ये बाद की बात है ना, पहले तो बोला है लोग घर पे रखते हैं और उसके बाद में वो रिवॉर्डिंग हो सकते हैं। कैसे, वो काम वगैरह बताया उसने कि वो क्या कर सकते हैं, जॉय वगैरह, ये काम से पता लग रहा है ना। एक बार ना ई को ना कंपेयर करो अपने बी के साथ, यहां से कंपेयर होगा, डी के साथ कंपेरिजन आएगा नहीं, क्यों, डी तो क्या बोला कैटेगरी बता रहा है लोग रखते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी है रखने वाली, ये कैटेगरी है। तो ई के बी के साथ करो, बी में क्या बोल रहा है पेट्स क्या कर सकते हैं, जो ला सकते हैं खुशी वगैरह ला सकते हैं, और ई क्या बोल रहे हैं पेट्स को रखना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो पहले उनके काम गिनाए जाएंगे कि वो ये काम करते हैं, उनको काम को गिना कर बोलोगे कि पेट्स को रखना क्या होगा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो बी के ई के साथ कंपेयर करें तो बी के बाद ही रहेगा, बी के बाद ही रहेगा तो सी के बाद भी रहेगा, क्योंकि वो भी काम गिनाए गए, सारे काम गिनाए जाएंगे, तो ए डी बी सी ई होगा। ए डी बी सी ई क्या बोला है, बहुत सारे लोगों को पेट्स रखना पसंद है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉपुलर पेट्स क्या होते हैं कुत्ते बिल्ली पक्षी होते हैं, उसके बाद वे क्या बोल रहा है पेट्स जो ला सकते हैं वो स्ट्रेस को भी खत्म कर सकते हैं। इस प्रकार उसने बोला कि पेट्स को रखना आपके लिए रिवॉर्डिंग हो सकता है। आई बात सुनने, इस तरीके से बातें बोली है। अगर रिवॉर्डिंग पहले होता काम बाद में गिनाते तो यहाँ पे बिकॉज वगैरह लिख के आता, बिकॉज पेट्स ये कर सकते हैं, क्योंकि पेट्स ये कर सकते हैं, पेट्स आपके लिए रिवॉर्डिंग हो सकते हैं क्योंकि पेट्स ये करते हैं, पेट्स ये करते हैं। अब ये बोला पेट ये करता है, इस प्रकार पेट्स क्या होगा आपके लिए रिवॉर्डिंग होगा। तो जल्दी करो, टाइम नहीं बचा। ए डी बी सी ई ए फर्स्ट ही पूछा ना, ए डी बी सी ई, ए डी बी थर्ड, बी सी फोर्थ, सी फिफ्थ, ई ए डी बी सी, ठीक है सही है। अब जल्दी करो, इनको क्या करना आपस में रिप्लेस करना, ये अपना हो जाएगा पैटर्न, थोड़ी स्पीड दिखाएंगे तो जल्दी करो। साइंटिस्ट बिलीव उन्होंने बिलीव किया, ठीक है, द न्यू टेक्निक, नई टेक्निक को टू एनालाइज द डेटा वॉज मोर इफेक्टिव, डेटा क्या था ज्यादा इफेक्टिव था देन द ओल्ड मेथड से, पुराने मेथड से, सही है, कोई रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, उसको एनालाइज हो गया, नो इंटरचेंज, आपस में इंटरचेंज ही करना है ना, क्योंकि ये दे रखा है ना ऑप्शन ए बी वगैरह, यहाँ पे पढ़ना है तो पढ़ लो सी डी ए बी। द कंपनीज इन्वेस्टमेंट, कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है ठीक है, हो सकता है सही है, इन रेन्यूएबल एनर्जी में हैज ग्रेटली इंप्रूव्ड, उसने इंप्रूव किया देयर रेपुटेशन, किसकी कंपनी के लिए, उनकी रेपुटेशन एंड रिड्यूस्ड, और रिड्यूस किया है क्या, देयर कार्बन फुटप्रिंट, और कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस किया है। तो कंपनी के इन्वेस्टमेंट ने क्या किया है, हैज इंप्रूव किया है उनकी रेपुटेशन को, रिड्यूस किया उनके कार्बन फुटप्रिंट को, ठीक है सही है, ये भी सही है, नो रीअरेंजमेंट आएगा, नो इंटरचेंज आएगा। नेक्स्ट, द कमिटी डिसाइडेड, कमिटी ने डिसाइड किया टू डिले नॉट मीटिंग, नॉट मीटिंग होगा क्या, नो मीटिंग होगा ना,
इसका मतलब बी में चेंज आएगा, बी में चेंज, बी बी सी के साथ हो रहा है, बी ए के साथ हो रहा है, बी डी के साथ भी हो रहा है। चलो चलते आगे, नेक्स्ट वीक, बिकॉज द रिपोर्ट्स, द रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स के लिए द यूज होगा, वर द कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड क्या वी थ्री है, द का इंपैक्ट होगा तो क्या होगा वी थ्री, यानी एडजेक्टिव से पास होता आगे जाएगा, लेकिन आगे क्या है प्रीपोजिशन की दीवार है, वॉल ऑफ प्रीपोजिशन है, इसका मतलब बर्डन आगे पास नहीं होगा, नाउन बर्डन पास करती है, लेकिन एडजेक्टिव बर्डन पास नहीं कर पाएगा, एडजेक्टिव बर्डन को झेल भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो क्या होता है अनस्टेबल होता है, तो यहाँ द नहीं आएगा, द नहीं आएगा, अपने को पता था बी में चेंज होगा और यहाँ डी में तो चेंज आ ही रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा बी डी को देखो, बी डी हो रहा है क्या, बी डी, तो डिले द मीटिंग, द मीटिंग सही है, वर नॉट कंप्लीटेड, कंप्लीट नहीं हुई थी, और सारा का सारा सही है अपना, तो क्या होगा बी डी में चेंज होगा, ओनली ओनली बी डी। नेक्स्ट जल्दी करो, द पार्क्स अनाउंसमेंट, पार्क का अनाउंसमेंट, अनाउंस पार्क ने अनाउंस किया, पार्क का अनाउंस्ड, पार्क की वो चीज यहां पे नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब ए में चेंज आएगा, ए में चेंज आएगा, ए के साथ बी, ए के साथ डी, चेक करो, मेयर, द मेयर अनाउंस्ड, मेयर अनाउंस्ड आएगा ना, ए के साथ बी आएगा, द मेयर अनाउंस्ड दैट पार्क्स रेनोवेशन, पार्क का रेनोवेशन करना है, जल्दी करो जल्दी करो, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी हो गया, तो अपने चार बच्चे हैं, जल्दी से देखते हैं होता है ये कोई कन्वर्जेशन, उसके लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा, कैसे एक्सप्रेस किया उसने, ये भी नहीं कॉन्ट्रीब्यूट टीनेज कन्वे मैसेज, इसके लिए तो पैराग्राफ सबमिट ही होगा, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ने का टाइम बचा ही नहीं है, वैसे अपना हो जाता, सबमिट करना पड़ेगा कंप्लीट अपने को, मैथ हो रहा है ना, वैसे अपना कंप्लीट होने वाला था ये, आराम से अपना कंप्लीट हो जाता, देखते हैं कितने नेगेटिव या पॉजिटिव है, वन इनकरेक्ट, एक इनकरेक्ट हो गया भाई अपना, वन इनकरेक्ट, हंड्रेड में से वन इनकरेक्ट, हाँ 25 करेक्ट, 26 अटेम्प्ट, एक गलत हुआ यार, एक गलत कैसे हो गया, पहले तो हमने गलत को चेक करें, पैराग्राफ देखो, वैसे एग्जाम में तो ये आराम से हो जाता है, एक्सप्लेनेशन में टाइम लगा था, तो एक बार है ना अपने एक काम करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन पे जाके इसको चेक करते हैं कि पंगा क्या हुआ है, पहले तो नेगेटिव को चेक करेंगे, नेगेटिव 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 55, ये नेगेटिव कैसे हो सकता है, एरर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, अपनी स्कैनिंग टेक्निक बहुत शानदार, इट इज इंपॉर्टेंट दैट एवरी स्टूडेंट अंडरस्टैंड, एवरी स्टूडेंट अंडरस्टैंड, डी अंडरस्टैंड सही तो है, एवरी स्टूडेंट डज अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड तो आएगा, सिंगुलर ही तो आएगा, एवरी स्टूडेंट, एवरी किसको बताता है, सिंगुलर को बताता है, अंडरस्टैंड थोड़ी आ सकता है, अंडरस्टैंड आना चाहिए, ऐसे कैसे दिए इसने, इसने क्या एरर दी है, डी में एरर, दे आर टेकिंग द एग्जाम, पढ़ कर देखते, इट इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि एवरी स्टूडेंट अंडरस्टैंड द मटीरियल, मटीरियल को थोरोली पूरी क्लियरिटी के फॉर्म में बिफोर दे आर, जब वो एग्जाम, ये तो कंडीशन लगाई है ना, बिफोर दे टेक एग्जाम होता है, ठीक है डू टेक आएगा, बिफोर दे टेक एग्जाम, जब वो एग्जाम देते हैं उससे, यानी टेक करते हैं एग्जाम को, देते हैं हिंदी में देते बोलते हैं, इसको उल्टा होता है थोड़ा सिस्टम, क्योंकि हिंदी थोड़ी सेंसिबल नहीं होती जितनी इंग्लिश सेंसिबल में बात करें, क्योंकि एग्जाम आप देने नहीं जाते, आप एग्जाम एक्सेप्ट करने जाते हो फिर सबमिट करते हो, ठीक है, देता कौन है, प्रोवाइड कौन करता है, आपको एग्जामिनर करता है, चलो वो तो अलग केस है, पहले ये देखें, अच्छा कंडीशन लगाई है इसने, ठीक है, वो जब एग्जाम दे रहे हैं तो वो उससे पहले करते हैं, जब वो एग्जाम देते हैं उससे पहले करते हैं, ठीक है परमानेंट बात है, जब भी वो एग्जाम देते हैं तो अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है ये तो ठीक है, ये सही था, लेकिन ये भी तो गलत था, अंडरस्टैंड्स वाला ये ज्यादा गलत था, उल्टा ये तो फिर भी चल जाएगा कि वो एग्जाम दे रहे हैं उससे पहले करते हैं, दे रहे हैं तो वैसे देखो ठीक है, ये भी गलत है, लेकिन ये भी तो गलत है अंडरस्टैंड्स वाला, एक बार देखते हैं इसने सॉल्यूशन में क्या बोला है, तो बहुत गलत बोला इसने, ये तो बिल्कुल ही गलत था, इट इज इंपॉर्टेंट दैट नो एरर, एवरी स्टूडेंट अंडरस्टैंड, नो हो ही नहीं सकता, इसने दे टेक, ठीक है इसने ये सही किया, अपनों ने किया वो, अपने आगे क्यों पढ़े जब अपने को एरर मिल गई, ये तो बहुत बड़ी एरर है, हो सकता है इसकी प्रिंटिंग मिस्टेक हो, ये तो आपको ही पता है ना, ईच एवरी वगैरह होता है वो प्रत्येक को बताता है, यानी सिंगुलर को बताता है, तो एवरी स्टूडेंट, और वैसे भी सिंगुलर ही बताएगा, इसने क्या लिखा है, एवरी स्टूडेंट लिखा है, एवरी स्टूडेंट लिखा है ना कि स्टूडेंट्स, एक बार इसको ना रफ करके दिखाता हूं मैं आपको, इसने क्या लिखा है ये देखो, स्टूडेंट लिखा है, तो अंडरस्टैंड कैसे आ जाएगा, स्टूडेंट्स होता तो अंडरस्टैंड आ सकता था, स्टूडेंट्स होता तो डू अंडरस्टैंड हो जाता, लेकिन ये क्या है, स्टूडेंट की बात कर रहा है तो डज ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अंडरस्टैंड आएगा नहीं, अंडरस्टैंड्स आएगा, एस लगेगा उसके साथ में, डज लगेगा उसके साथ में, इसका मतलब ये गलत है, इन्होंने गलत कर दिया, ये तो अपने, ये तो देखो नॉर्मल सी एरर, आप कहीं बोले कि सर आपका गलत हो गया इसलिए आप गाइडली गलत कर रहे हो, ना भाई मैं गलत नहीं कर रहा, इसलिए मैं देखने भी आया था, ठीक है, लेकिन ये तो सभी को पता है ना कि ईच स्टूडेंट दे रखा उसने, तो सिंगुलर ही आएगा, प्लूरल स्टूडेंट्स होता तो प्लूरल होता, और वैसे भी एवरी और ईच क्या करते हैं, सिंगुलर को बताते हैं, ये तो आपको ही पता है, ये तो रद्दी सी एरर है, सबको पता है ये,
तो हो जाती है कई बार, गाइडली गलत नहीं है, गाइडी का कंटेंट बहुत अच्छा है, टेक्स्ट बुक का भी बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार एरर हो जाती है क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड बनाया गया है, अभी एग्जाम हुआ है जस्ट उसके बाद इन्होंने मेमोरी बेस्ड बना दिया, तो इस कारण क्या होती है थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह हो जाती है, ठीक है। लेकिन वैसे कंटेंट बहुत अच्छा है इसका, लेकिन इसका थोड़ा सा लेवल क्या होता है खतरनाक रहता है, री अटेम्प्ट मोड में जाएंगे आपने। चलो पैराग्राफ तो आप लोग कर ही लोगे, पैराग्राफ करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टोरी टाइप है पूरा पैराग्राफ, क्या है अपना स्टोरी टाइप है, ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है। उसने क्या एक्सप्रेस किया था 38 में, क्या है, हाउ डज यंगर वुमेन कॉन्ट्रीब्यूट द कॉन्वर्जेशन, ठीक है। चलो करना है, देख लो एक बार, कर ही लेते हैं इसको री अटेम्प्ट करके। ऑन ए ट्रेन जर्नी, एक ट्रेन, पहले क्वेश्चन पढ़ो, पैराग्राफ के लिए हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़ना होता है, दो मिनट लगेगी। What is the main focus of the conversation between the two women on the train? क्योंकि कई लोगों को ये नहीं आता, तो उनके लिए मैं जो जीरो स्टूडेंट है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट जो एग्जाम है उन लोगों के लिए खास करके। मेन फोकस ऑफ द कन्वर्जेशन बिटवीन द टू वुमेन, क्या था मेन फोकस, किस बात पे बात कर रही थी, वो देख लेंगे। नेक्स्ट पूरा ही पढ़ना पड़ेगा मेरे हिसाब से। What does the older, जब तक बात की तब तक, ओल्डर वुमेन एक्सप्रेस अबाउट हर फ्रेंडशिप फ्रॉम वैन सी वॉज 18 थी, तब 18 साल की, तब ओल्डर वुमेन ने क्या कैसे एक्सप्रेस किया कि मेरी जो फ्रेंडशिप कैसी थी। हाउ डज द यंगर वुमेन कॉन्ट्रीब्यूट टू द कन्वर्जेशन, यंगर वुमेन ने कैसे कॉन्ट्रीब्यूट किया कन्वर्जेशन बातचीत में। एडवाइस और मैसेज डू वुमेन कन्वे थ्रू देयर कन्वर्जेशन, क्या वो एडवाइस देना चाहते थे, ठीक है। शुरू करते हैं, फुल स्पीड में चलेंगे अब। फुल स्पीड में क्योंकि स्टोरी है। ऑन ए ट्रेन जर्नी टू वुमेन, दो वुमेन में हिंदी पढ़ा देता हूँ डायरेक्ट आपको, 42 और 30 की, फाइंड themselves reminiscing अबाउट देयर, वो टीनेज ईयर्स को क्या कर रही, याद कर रही थी। द ओल्डर वुमेन जो 42 की है अभी, उसने कन्वर्जेशन स्टार्ट किया बाई रिफ्लेक्टिंग ऑन हर फ्रेंडशिप वैन सी वॉज 18, जब वो 18 की थी तब उसकी फ्रेंडशिप कैसी थी, ये बात हुई है ना। सी रिमेंबर्स ए क्लोज निट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, बहुत खास ग्रुप था, होम सी शेयर्ड काउंटलेस एडवेंचर, जो एडवेंचर की उसने, लेट नाइट तक बातें की, ड्रीम्स ऑफ द फ्यूचर, सपने देखे। Those friendship were forged with a sense of freedom वगैरह, और possibility पे था पूरा का पूरा बना। And she often thinks about how those bonds shaped who she is today, आज हुए वो उसको कैसे बनाया, ठीक है। The younger woman listens intently and notes as she recalls her own experiences at 18. She describes her tight circle of friends with whom she spent her high school years navigating. अब ये बोल रहे हैं कि जो अपनी क्या बोल रहे हैं, यंगर वुमेन को भी याद आने लगे, ये दोनों ही बातें हो चुकी है यहाँ पे। तो सबसे पहले चलते हैं, मैन फोकस ऑफ द कॉन्वर्जेशन छोड़ो, ओल्डर वुमेन ने कैसे एक्सप्रेस किया अपनी फ्रेंडशिप के बारे में। देवर नॉट वेरी मीनिंग, ना मीनिंगफुल क्या नहीं थी, बॉन्ड था बहुत तगड़े वाला, बता तो रखा है। देवर स्पेशल, हाँ स्पेशल हो सकता है, लास्टिंग इम्पैक्ट बहुत अब तक याद है तो ठीक है। देवर इंटेंस बट क्विकली रिप्लेस्ड बाई एडल्ट रिलेशनशिप, वो इंटेंस थी बहुत ज़्यादा थी, एडल्ट रिलेशनशिप की कोई बात हुई है ना, ना ऐसी कोई बात नहीं है। देवर फ्लीटिंग एंड नॉट सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट नहीं थी, ना ना ये है, ठीक है हो गया। नेक्स्ट, यंगर ने कैसे कंट्रीब्यूट किया, 18 की थी तो वो उसको भी याद आने लगा था ना, उसको भी अपनी यादें आने लगी थी। चलो, सी शेयर्स हर ओन मेमोरीज ऑफ फ्रेंडशिप फ्रॉम व्हेन सी वाज 18, सही है। डिसएग्री विद द ओल्डर वुमेन, डिसएग्री नहीं किया था उसने, हाँ में सिर हिलाया था, चेंज टॉपिक चेंज नहीं किया था, उसको भी याद आने लगा था और उसने बताया था स्कूल ईयर के टाइम पे। डिसइंटरेस्ट नहीं था, वो याद करने लग गई थी, तो ये हो गया अपना, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो ईजी है बिल्कुल। वट एडवाइस और मैसेज डू वुमेन कन्वे, क्या कन्वे करना चाहती हैं, एक तो ये बचा है और एक वट इज द मेन फोकस ऑफ कॉन्वर्जेशन, चलो एक बार पढ़ लेते हैं। तो चले, मेंटेनिंग फ्रेंडशिप ओवर टाइम, कॉन्वर्जेशन किस पे था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ देयर टीनेज, अभी तक तो ये जा रहा है ना, टीनेज फ्रेंडशिप के बारे में बात कर रहे हैं, डिफरेंसेज बिटवीन करंट और टीनेज, पुरानी और नए वाले में हो सकता है, फ्यूचर प्लान वगैरह पढ़ ही लो यार इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये, इजी सा है। शी डिस्क्राइब हर टाइट सर्किल ऑफ फ्रेंड्स हुम शी स्पेंड हर हाई स्कूल ईयर्स नेविगेटिंग, अप्स एंड डाउन्स की, क्या अप डाउन हुए थे, उसकी मेमोरीज आर ऑफ द टाइम मार्क, इंटेंस इमोशनल कनेक्शन था, शेयर्ड एक्सपीरियंस शेयर करते थे, कैमरेडरी दैट फेल्ट बोथ एक्सिलेटिंग एंड कम्फर्टिंग, आनंददायी थी और क्या थी, कम्फर्ट करने, इवन इफ रिमोटली सिमिलर नहीं थे लेटर रिलेशनशिप जैसी, लेकिन फिर भी वो ऐसी थी। एज द कॉन्वर्जेशन अनफोल्ड, जैसे जो कॉन्वर्जेशन चलता है, बोथ वुमेन एग्री ऑन द यूनिक नेचर ऑफ टीनेज फ्रेंडशिप, यूनिक नेचर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ देयर टीनेज, ये नेचर वाला थोड़ा सेट हो रहा है यहाँ से भाई, ठीक है। उसके बाद में दे टॉक अबाउट द इंटेंसिटी इमीडिएसी ऑफ दोज, कितनी गहरी थी, विच ऑफन फील इरिप्लेसेबल, जिसको रिप्लेस नहीं कर सकते। द ओल्डर वुमेन एम्फेसाइज हाउ दोज बॉन्ड्स, दो दे माइट सीम फ्लीटिंग एट द टाइम, धीरे धीरे कम हो रहे थे, होल्ड ए स्पेशल प्लेस था उसके दिल में,
द यंगर वुमेन रिफ्लेक्ट ऑन दिस, ये दोनों बातें कर रही है, रिकग्नाइजिंग द वैल्यू इन द फ्रेंडशिप शी हैज नाउ, अब उसकी, अब वो रिकग्नाइज करिए वैल्यू क्या है उसकी फ्रेंडशिप में अभी, अंडरस्टैंडिंग दैट टाइम विल इनएविटेबली चेंज देम, वो अवश्य उसको चेंज कर देगा, देयर डिस्कशन सर्व्स एज ए रिमाइंडर टू अप्रिशिएट एंड एम्ब्रेस दीज फॉर्मेटिव रिलेशनशिप, की उसको क्या करना चाहिए, एम्ब्रेस करना चाहिए, यूज करना चाहिए, फ्रेंडशिप को लाना चाहिए अपने साथ, उसको गले लगाना चाहिए, बिफोर द इवोल्व और फेड, इससे पहले कि वो खत्म हो जाए, ये रिमाइंड करता है ना, खत्म हो जाए, ये थोड़ा मुझे मैसेज सा लग रहा है, ठीक है, जो मैसेज वाली बात है ना, दे बोथ एग्री दैट वाइल फ्रेंडशिप में चेंज विद टाइम के साथ हो जाती है, द एसेंस ऑफ द दोज अर्ली बॉन्ड्स रिमेंस ए ट्रेजर्ड पार्ट, मतलब वो फिर भी है ना एक खजाने की तरह बने रहते हैं वो, मतलब टाइम के साथ खत्म हो जाती है लेकिन उनका जो रस निचोड़ है वो बना रहता है, ठीक है। तो ये तो भाई यहाँ पे तो बात इसने है ना पूरी की पूरी किसकी की है, करंट वाले के साथ इन्होंने कोई कंपेयर नहीं किया, करंट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये नहीं बोला उन्होंने, सिर्फ पुराने वाले वो धीरे धीरे फेड होगी यही बताया, तो नेचर वाला जाएगा, ठीक है। 39 बचा था अपना एक, और टू फोकस मोर, प्रोफेशनल की भी बात हुई नहीं है, प्रोफेशनल पे फोकस करो, चेरिश एंड एम्ब्रेस करंट फ्रेंडशिप बिफोर टाइम चेंजेस, टाइम चेंज वाली बात हुई थी ना अभी लास्ट में बात हुई थी, ये देखो टाइम क्या होता है, चेंज होता है और उनको चेंज कर देगा, इससे पहले पहले आप क्या करो उनको फेड हो जाए उससे पहले पहले आप अप्रिशिएट करो एम्ब्रेस करो, ये बात सही है। अवॉइड फॉर्मिंग डीप कनेक्शन को अवॉइड करना, ना डीप कनेक्शन बनाना है, एक्टिवली सीक न्यू नई फ्रेंडशिप, नई फ्रेंडशिप की बात नहीं हुई, तो ये मेरे हिसाब से चेरिश वाला होगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, अपने सारे के सारे सही थे। एक बैठे मानो ना मानो, मानना पड़ेगा, ठीक है। एक है ना इसने खुद ने गलत कर दिया, कर्डली ने, चाहे इनकी कैसे भी मिस्टेक हो, चाहे प्रिंटिंग मिस्टेक हो, कैसे भी हो, लेकिन इनका खुद का गलत था। हाँ ठीक है, सेकंड वाला भी गलत था, लेकिन बोथ वाला इन्होंने दिया नहीं था, ठीक है, नो एरर दी थी, नन ऑफ दीज भी नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा, वो ही जाएगा एरर में, ठीक है। तो अपने क्या हो गए, 26 के 26 अपने सही होते हैं, ठीक है। उसके बाद में कट ऑफ 62, ये तो ओवरऑल की अपना इंग्लिश की बात की है, ठीक है। 30 आउट ऑफ 30 अपने सही हो गए, क्योंकि ये पैराग्राफ भी बहुत ईजी था, अपना थोड़ा एक्सप्लेनेशन में टाइम लग गया, अदरवाइज अपने 30 आउट ऑफ 30 100% एक्यूरेसी के साथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये गाइडलाइन जो पेपर दिए हैं बहुत अच्छा दिया, वैसे गाइडलाइन थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर करता है, एग्जाम से थोड़ा ऊपर की बातें करता है, लेकिन ये वाला पेपर है ना ये बिल्कुल एग्जाम जैसा ही था, क्योंकि एग्जाम ऐसा सही आया था, लेकिन हाँ कुछ शिफ्ट में बहुत ईजी आया था, कुछ शिफ्ट में बहुत ज़्यादा टफ आया था, लेकिन उसकी टेंशन आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं है, कि जो टफ शिफ्ट है उसको नॉर्मलाइजेशन मिलता है। आप लोग बहुत सारे यहाँ पे कमेंट करेंगे, बोलेंगे फालतू कुछ ही नॉनसेंस बोल देते हैं, ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है भाई, 2016 से पढ़ा रहा हूँ मैं, और बहुत एग्जाम मैंने फाइट किए हैं, SBI में ऑलरेडी मैं पोस्टेड हूँ, तो आप लोग IPS PU मैंने 3 times क्लियर किया है, SOB IT ऑफिसर क्लियर किया है, तो आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूँ, देखो आज तक का मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं उनके अकॉर्डिंग जो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैक्सिमम सिलेक्शन टफ शिफ्ट से होते हैं, मतलब ज़्यादातर सिलेक्शन होते हैं टफ शिफ्ट से। मैंने देखा है जिन्होंने की शिफ्ट ईजी है, जिन्होंने बहुत अटैम्प्ट किए उनके 15-15, 20-20 नंबर तक कम हुए हैं, और जो जिनके टफ शिफ्ट आई उनको 10-10, 12-12 नंबर एक्स्ट्रा भी मिले हैं। स्केलिंग होती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप निकाल लेंगे, वो एक्सपर्ट हैं, वो ऐसे ही एग्जाम नहीं करवा रहे हैं IBPS वाले, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टफ शिफ्ट आई है, देखो इजी भी आई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके मार्क्स ज़्यादा कम होंगे, बस उनसे उम्मीद होती है इजी वालों से कि वो नेगेटिव ज़्यादा ना गए, ज़्यादा नेगेटिव है तो ज़्यादा नेगेटिव स्केलिंग होगी, बस इतना है, क्योंकि इजी में चांसेस स्पीड बनती है तो अपने नेगेटिव होने के चांसेस बढ़ते हैं, तो ऐसी चीज़ें होती है, तो वो चीज़ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में, इजी वाले 100 out of 100 भी सही करके आएंगे, सारे के सारे सही करके आएंगे, क्या नंबर काटेंगे, थोड़ा नॉर्मलाइजेशन कम होंगे मार्क्स, ठीक है, लेकिन टफ वालों को थोड़ा बेनिफिट ज्यादा होता है, क्योंकि पॉजिटिव स्केलिंग के ज्यादा से ज्यादा होते हैं, यहाँ पे थोड़े बहुत नेगेटिव हो गए फिर भी आपको पॉजिटिव स्केलिंग मिल जाती है, लेकिन इजी शिफ्ट में नेगेटिव स्केलिंग पे पक्का आपको नेगेटिव करने पे नेगेटिव स्केलिंग मिलती है, थोड़ा ये ध्यान रखना। तो जिनकी टफ शिफ्ट थी उनको डरने की जरूरत नहीं है, इजी वालों को भी जरूरत नहीं है, अगर आपकी 100% एक्यूरेसी है या फिर मैक्सिमम एक्यूरेसी है तो आपको भी डरने की जरूरत नहीं है, और टफ शिफ्ट वालों को तो वैसे भी डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिविटी मोटिवेशन के साथ आपने एग्जाम दिया है, हिले नहीं हो वहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने एक्यूरेसी दिखाई है अच्छे से जितने अटेम्प्ट हो सकते थे एक्यूरेसी के साथ किए, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ये एक एक्सपीरियंस फॉर्म में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा, तो ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। एग्जाम अभी तक तो ऐसा सा ही आ रहा है, कुछ एक शिफ्ट में थोड़ा टफ देखने को मिला है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लगभग ऐसा सही पैटर्न आ रहा है, तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए इसको देख लेना किस तरीके से करना है। और भी मेमोरी बेस्ड वगैरह आते हैं, जैसे अभी मैं अड्डा का, मैं सोच रहा था अड्डा का भी लगाऊं, लेकिन वो तो क्या होता है कि आपका ओनली अड्डा 247 मोबाइल ऐप पे ही है, लैपटॉप पे ओपन ही नहीं हो रहा, वो लैपटॉप पे उसकी PDF आ रही है, अगर आप बोलोगे तो मैं वो PDF सोल्व करवा दूंगा, ठीक है, PDF की फॉर्म में, क्योंकि वहाँ पे वो डायरेक्ट पेपर की फॉर्म में इस तरीके से नहीं आ रहा। तो आप है ना जितने मेमोरी बेस्ड अभी आपको एक दो जितने मिल जाते हैं तो आप उनको क्या करना, अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है।
एग्जाम अच्छे से अटेम्प्ट करके आना, टफ और ईजी का मत देखना, अपना 100% देके आना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।